स्कूल सिस्टम असल में लोगों को गरीब बनना सिखाता है। अगर आप गरीब हो तो हमेशा गरीब बने रहोगे। जिस पल आपने सैलरी ली, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। एवरेज इंसान जो गरीब बने रहते हैं, उसका मेन रीजन ही यही है कि वो कभी फेल ही नहीं होते। ज्यादातर एथलीट्स करोड़ों कमाने के बावजूद सालों में बैंकरप्ट हो जाते हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं। स्कूल सिस्टम असल में लोगों को गरीब बनना सिखाता है। स्कूल में आपको कभी भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल सिस्टम को इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि ये आपको एक एम्प्लॉई, एक डॉक्टर, एक लॉयर या ज्यादा से ज्यादा एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए तैयार करता है। लेकिन स्कूल में कभी भी पैसों के बारे में बात नहीं की जाती है। मेरे बायोलॉजिकल पिता ने PhD की थी, वो हेड ऑफ एजुकेशन यानी कि प्रिंसिपल थे। एक दिन घर जाकर मैंने उनसे पूछा कि क्यों डैड, ये हमारे स्कूल में ना पैसों के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमें मनी और फाइनेंशियल्स के बारे में सिखाने की परमिशन नहीं देती है, और ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं और क्या नहीं। अब मुझे ये सुनकर काफी अजीब लगा, तो मैंने आगे उनसे पूछा, लेकिन क्या हम स्कूल पैसों के बारे में जानने के लिए नहीं जाते? तो मेरे डैड ने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम है नौकरी पाना। गरीबी और मिडिल क्लास जीवन पीढ़ियों से परिवारों में पास ऑन होता आया है। यानी कि अगर आपके पिता गरीब हैं, तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आपके दिमाग में भी गरीब बने रहने की ही सीख होगी। ठीक वैसे ही जो लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं या पैसों को लेकर चिंतित हैं या अनहैप्पी हैं, हो सकता है कि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हों, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। और ये शायद आपको सिखाया गया था, आपके दिमाग को सिखाया गया था कि नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, वरना आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, या अमीर लोग बुरे लोग होते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, पैसा आपकी मदद नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जो लोग लॉटरी जीतते हैं या तुक्के से बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, उनके पास अब भी वही परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो पुअर मैन सोल हैं, यानी कि उनकी सोच ही गरीबों वाली है। ऐसे में अगर आप गरीब हो तो हमेशा गरीब रहोगे। आई नो, मेरी ये बात समझना आप में से कई लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप पैसों को लेकर अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे, तो वो पैसा आने के बाद भी जल्दी वापस चला जाएगा। जैसे कि ज्यादातर प्रो एथलीट्स के साथ होता है, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन होता क्या है, 5 सालों के बाद उनमें से 65% एथलीट्स बैंकरप्ट हो चुके होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, और जब आप उन्हें ये सच्चाई बताओगे तो वो काफी गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे, ये अमीरों का फॉल्ट है, आप लोगों ने मुझे लूटा है, गवर्नमेंट ने मुझे लूटा है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, ये है वो है। लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी जेनेटिकली पास डाउन होती है। मेरे रिच डैड मुझसे कहते थे कि जिस पल मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम्हारी सोच एक एम्प्लॉई जैसी हो जाएगी, और ये अमीरों द्वारा बिछाया गया सबसे बड़ा ट्रैप यानी कि जाल है। आप जब इसमें फंसोगे तो सालों तक फंसे रह जाओगे। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा फ्री में काम करते हैं। जिस पल आपने अपना पे चेक एक्सेप्ट कर लिया, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसका उल्टा, जब तक आप में भूख रहेगी, तब तक आप सोचते रहोगे। देखिए, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप लोगों को अमीर बनना सिखाते हैं, लेकिन कभी दान क्यों नहीं करते हैं, गरीबों में पैसा क्यों नहीं बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि ऐसा करने से हम और ज्यादा गरीबों को पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी गरीब इंसान को फ्री में एक मछली देते हो, तो वो उस दिन मछली खाकर अपना पेट भर लेगा, लेकिन अगले दिन क्या, अगले दिन आपके सामने लोगों की भीड़ लग जाएगी जिन्हें और मछलियां चाहिए होंगी। लेकिन अगर आप किसी को सिखाते हो कि मछली पकड़नी कैसे है, तो वो जिंदगी भर मछली पकड़ के अपना पेट पाल सकता है और उससे बिजनेस भी बना सकता है। जब मैं अमीरी और गरीबी को लेकर अपनी नॉलेज लोगों को बांटता हूँ, तो मेरे कई अमीर दोस्त मुझसे कहते भी हैं कि अरे रॉबर्ट, ये तुम क्या करते हो, ये चीजें मत बताया करो, उन्हें गरीब ही रहने दो, क्यों परेशान होते हो। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ, गरीब लोग तो हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे, क्योंकि गरीबी की शुरुआत दिमाग से, माइंडसेट से होती है। ये शब्दों का खेल है। जब वो लोग कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकता, तब वो हार चुके होते हैं, क्योंकि हम इंसान वही बनाते हैं जो हम कहते हैं, जो हम मानते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता,
यहाँ तक कि मेरे पीएचडी पिता यानी कि पुअर डैड मुझे कहते थे, वो कहते थे कि बेटे तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं पैसे से बना हुआ हूँ, क्या मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता या खरीद सकता हूँ। और जब मैंने ये बात अपने रिच डैड को बताई तो उन्होंने कहा इसीलिए ही तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता अमीर नहीं है। गरीब लोगों की कुछ फेमस लाइंस होती हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा ऐसा वैसा वगैरह वगैरह वगैरह। ओवरऑल बताऊं ये सब कुछ एक स्कैप है, यानी ये जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कहना बहुत आसान है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं काफी थक चुका हूँ, मैं जिम नहीं जा सकता। मगर सच्चाई बताऊं क्या है? सच्चाई ये है कि आप जिम जाने के लिए बहुत आलसी हो। इसी आलस, डर और गलत माइंडसेट की वजह से लोग जिंदगी भर सेफ गेम खेलने में फंसे रह जाते हैं। वो अपनी लाइफ में नई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो जॉब सिक्योरिटी में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे रिच डैड कहते थे कि ये कहने के बजाय कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप खुद से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए किस चीज की जरूरत है और मुझे ये कदम उठाने की क्यों जरूरत है। क्योंकि सवाल दिमाग को खोलते हैं, जबकि एक स्टेटमेंट दिमाग को पूरी तरह से बंद कर देती है। इसी वजह से जब आप पहले से ही हार मानने वाली नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हो, आपका माइंड शटडाउन हो जाता है, और इसी कारण की वजह से आप जो बोलते हो वो बन जाते हो। लोग कहते हैं कि पैसा मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है, यानी कि उन्हें पैसों की कद्र नहीं होती। और जब आप पैसों की परवाह नहीं करते, पैसा आपकी परवाह नहीं करता। इसी से आपकी कही बात सच बन जाती है। गरीबों का एक और फेमस डायलॉग ये भी है, अमीर लालची होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त असल में गरीब लोग लालची होते हैं, अमीर नहीं। गौर से सोचिए, क्योंकि अमीर बनने के लिए